नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बहराई से सफाइयों का विरोध प्रदर्शन, किसानों के समर्थन में उत्तरी समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने आज जनपद बहराइच में उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर जमकर विरोध किया। हाथों में सरकार विरोधी नारे की पट्टी लेकर प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि आज पूरे प्रदेश में हत्या, लूट, बलात्कार और अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। देश और प्रदेश की सरकार किसान और श्रमिक विरोधी हो चुकी है। लगातार प्रदेश में अराजकता बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ रखकर केवल तमाशा देख रही है। प्रदेश में ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था पर से लोगों का विश्वास उड़ता जा रहा है। प्रदेश के लोग त्रस्त और सरकार खुद के हाथों अपनी पीठ थपथपाने में मस्त है। बहराइच से अनस तारिश की रिपोर्ट। आवाज पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलना चाहती है, आज उसी कारण हम लोगों ने, हमारे नेतृत्व ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को निर्देश दिया था कि ये सरकार आपकी वाणी पर विराम लगा रही है, आपकी आवाज को लोकसभा और संसद तक रोक जाने से रोक रही है, जनता की अदालत में आपकी आवाज जाने से रोका जा रहा है। तो कम से कम गांधी जी ने एक हथियार दिया था सत्य और अहिंसा का, असहयोग आंदोलन का, सत्याग्रह का एक हथियार हमें बापू ने मुहैया कराया था। आज उनकी 191वीं जयंती है। हमारे नेता ने हम सबको आदेश दिया था कि 2 घंटे का मौन व्रत रख करके उत्तर प्रदेश में हाथरस की बेटी के साथ जो दुराचार हुआ है, बलरामपुर की जो बेटी के साथ दुराचार हुआ है, किसानों को जिस तरीके से जबरन बिल पास करके उनकी खेती को गिरवी रखने की कोशिश की गई है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों को उनकी जबान पर अंकुश लगाने का काम किया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे लोगों पर फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी का तो रजिस्टर ही केंद्र सरकार ने गायब कर दिया, बेरोजगारों का कोई आंकड़ा नहीं है, जिन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था उन्होंने बेरोजगारी का रजिस्टर, राष्ट्रीय रजिस्टर होता है जिसमें देश में कितने बेरोजगार हैं ये दर्ज किया जाता है, उस रजिस्टर को ही गायब कर दिया जो 2 करोड़ नौकरियां देने का काम करते थे। आज इन्हीं सब समस्याओं के खिलाफ, देश और प्रदेश में जो व्याप्त समस्याएं हैं उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी के लोगों ने 2 घंटे का मौन व्रत रख करके अपनी आवाज जनता तक आपके माध्यम से पहुंचाने की कोशिश किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद। योगी जी के राज में, बेटी जल्दी रात में, योगी जी के राज में, बेटी जल्दी रात में, तेरी तानाशाही योगी जब जब जलता है, 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 योगी जब जब जलता है,